हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर। मैं बता दूं आपको कि अभी हम रास्ते में हैं, मुझे मेरी एक फ्रेंड को पिक करना है तो मैं आपसे मिलती हूँ पहाड़ी मंदिर पे। तो गाइस, मेरी फ्रेंड मुझे मिल चुकी है और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि उसका छोटा सा बेबी भी है और उसके हस्बैंड भी साथ में ही हैं। सो अब आप देख सकते हैं मंदिर हम पहुंच चुके हैं। रास्ते में आप देखेंगे कि प्रसाद के लिए बहुत सारे स्टॉल्स आपको मिलेंगे और 210 रुपीज़ का एक जो वो हम लोगों के एक डलिया तरीके की देते हैं उसमें 210 रुपीज़ का सामान होता है जो कि हम मंदिर में चढ़ाते हैं। तो पहले हम काली माता के मंदिर में चढ़ाते हैं फिर हम भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। तो ये देखिए, ये है एंट्रेंस, ऊपर लिखा हुआ है पहाड़ी मंदिर और यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटो सेल्फी वगैरह सब लेते हैं। और मैं बता दूँ, आप ये नंबरिंग देख रहे होंगे सीढ़ियों में, तो मैं आपको बता दूँ टोटल 400 सीढ़ियाँ हैं इस मंदिर में जो कि आपको पैदल चल के ऊपर तक जाना होता है। ये है काली माता का मंदिर जहाँ पे हमने नारियल फोड़ा और नारियल फोड़ने के बाद उसके बाद हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़े। तो जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल 400 सीढ़ियाँ थी तो हमने 400 सीढ़ियाँ चढ़ी और रास्ते में बहुत सारे पॉइंट्स थे और भी मंदिर थे, जैसे हनुमान जी का मंदिर था। और आप देख सकते हैं कि जो चढ़ाई है वो एकदम मतलब कंफर्टेबल चढ़ाई है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाएंगे। तो फिलहाल हमने तो बहुत इन्जॉय किया क्योंकि भोलेनाथ के हमें दर्शन करने थे, उनसे मिलना था। तो बहुत ही फेमस पहाड़ी मंदिर के भोलेनाथ हैं। तो बस हम पहुंच गए हैं सबसे ऊपर टॉप पे और तो हम भोलेनाथ के दर्शन के लिए ऊपर पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा दूँ कि इस तरीके से ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, जहाँ पे लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे भोलेनाथ जी का जो आसन है वो लगा हुआ है और यहाँ नीचे लोग जो है प्रतीक्षा करते हैं। और अभी आप देखेंगे कि आगे भी बहुत अच्छा व्यू मिलेगा और हनुमान जी के दर्शन होंगे हमें। तो सबसे पहले मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो जय हनुमान। तो हम ये हमारे सामने हनुमान जी हैं जिनका ये जो शटर है ये हमेशा बंद रहता है तो हम बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं हनुमान जी के। और हनुमान जी के दर्शन के बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो मैंने इसीलिए हनुमान जी की बाहर से ही वीडियो ले ली थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ से ना पूरा रांची दिखता है और ये सारी जगह हमने एक दिन में एक्सप्लोर की हैं क्योंकि आसपास हैं, क्योंकि मुझे अपनी शाम को फ़्लाइट भी पकड़नी थी। तो और भी जगह हैं जिसका वीडियो आप आगे मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे लोग अपनी सेल्फ़ी खिंचाते हैं, फ़ोटो वगैरह लेते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रांची बहुत क्लियरली विजिबल है और बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने टॉप पे होते हो क्योंकि ये एक मंदिर पहाड़ी, क्योंकि आप नाम ही आपने सुना होगा कि पहाड़ी मंदिर है तो पहाड़ी पर ये मंदिर है। तो यहाँ से आपको हर चीज़ विजिबल होती है, झील भी आपको दिख रही होगी जो कि शहर के बीचों बीच में झील बनी हुई है। तो इस तरीके से कुछ नज़ारा था यहाँ पे जब हम टॉप पे पहुँचे। अब हम फटाफट से दर्शन कर लेते हैं क्योंकि अभी गेट खुला नहीं था तो हम सभी लोग वेट कर रहे थे कि हमारे फटाफट से दर्शन हो जाए। ये नीचे का रास्ता है, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोग अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं और मन्नत मांगने के लिए वो जो चुनरी आपको मिलती है वो आप वहाँ पे बांध सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब भगवान जी का श्रृंगार हो रहा है जो कि फूलों से होता है, पूरा पूरा फूलों की माला से शिव शंकर भोलेनाथ को सजाया जाता है। ये देखिए सज गया है, साथ ही साथ इस यहाँ पर भजन भी होते हैं जो कि आपको मैं थोड़ा सा भजन सुना देती हूँ। देखिए भोलेनाथ एकदम फ्री हो चुके हैं, सारे भक्तजन जा चुके हैं तो मुझे ये मौका मिला
कि मैं इत्मीनान से भोलेनाथ भगवान की यहाँ पे वीडियो बना पाऊँ, और बहुत ही सुंदर सजाया था। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी लोगों को जो यहाँ पे कीर्तन भजन प्लस भगवान को इतना ज़्यादा सौंदर्यकरण करते हैं भगवान का। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे हमें विज़िट करके, और इसके साथ साथ नंदी जी के भी हमें दर्शन हुए, जो कि बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो मैं आपको नंदी जी के भी दर्शन कराऊंगी। तो बस यहाँ पे लोगों ने जल चढ़ाया और उनका आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के साथ साथ उनके ऊपर बेलपत्र भी डाले। ये देखिए कितना सुंदर सजा हुआ, ये मैं आपको करा रही हूँ नंदी जी के दर्शन। नंदी जी भी बहुत खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं, और ये देख सकते हैं आप, नंदी जी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ दोनों फ्री हो चुके थे। और ये है सिपाही बाबा, जो कि मेन मंदिर के बाहर हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे चुनरी बांधी जाती है, लोग अपनी मन्नत जो भी होती है वहाँ पे बांध देते हैं। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और हम नीचे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये है एग्जिट डोर। तो अब हम कर रहे हैं लंच। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।